वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड आज आपके लिए मैं कार ऑडियो सिस्टम लेकर आया हूं। फ्रेंड आज आपको इस वीडियो में मैं इसी को रिपेयर करना सिखाऊंगा और इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सी आईसी लगी होती है और वह आईसी किस तरीके से वर्क करती है, उसकी पिन कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, टोटल उसके अंदर कितनी पिन होती हैं और उसकी डेटा शीट क्या कहती है। इस पूरी आईसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे और इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको भी रिपेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको चलाकर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए मैं इसके अंदर एक स्पीकर कनेक्ट कर दूंगा इसके स्पीकर्स की वायर में और इसके अंदर इनपुट वोल्टेज दे दूंगा। देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर यह प्रॉब्लम आ रही है, ये चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है। तो अब मैं आपको इसी को बताऊंगा कि इसको किस तरीके से दूर किया जाता है। फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है और जो यह चल रहा है वह इस बात को दर्शा रहा है कि इसके अंदर कोई कॉम्पोनेंट खराब नहीं है क्योंकि एक बार को ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। वर्क करने के बाद ये कुछ देर बाद बंद हो जा रहा है तो हो सकता है इसके अंदर कोई लूजिंग है। मेन चांस इसी चीज़ का है कि इसके अंदर कोई लूजिंग हो सकती है तो हम इसको ओपन करेंगे और इसकी लूजिंग के लिए इसको चेक करेंगे। Thank you.
फ्रेंड इसका सर्किट आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा हुआ है और पावर सप्लाई इसके अंदर नहीं है क्योंकि 24 वोल्टेज इसके अंदर आ रही हैं जो इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो इसके अंदर से एक्सटर्नल पावर सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड इसके अंदर एक मेन आईसी लगी हुई है, एम्पलीफायर आईसी 7388 TDA 7388 इसके अंदर आईसी लगी हुई है जो साउंड को एम्पलीफाई करती है, और ये आईसी एक्सटेंसिवली ऑटोमोबाइल्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ये इसका सर्किट फ्रेंड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई इतने ज़्यादा कॉम्पोनेंट भी नहीं लगे हुए हैं, बहुत ही साधारण सा इसका सर्किट है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डेटा शीट के बारे में दिखा देता हूँ कि इस आईसी की, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आईसी किस तरीके से वर्क करती है। देखिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इस आईसी 7388 की डेटा शीट के अंदर, और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताना शुरू करूँगा। तो ये देखिए ये 4x40W क्वाड ब्रिज कार रेडियो एम्पलीफायर आईसी है, इसके अंदर आप चार स्पीकर लगा सकते हैं, और ये कार एम्पलीफायर है जो एक्सटेंसिवली कार में ही इस्तेमाल की जाती है, और 70 इज ए बी ऑडियो पावर एम्पलीफायर। फ्रेंड ये ए बी एम्पलीफायर है, फ्रेंड मैं आपको बता दूँ ये चार कैटेगरी के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास डी। क्लास ए और बी पहले ट्रेडिशनली इस्तेमाल किए जाते थे और उनके अंदर पावर लॉस काफ़ी ज़्यादा होता था, तो उनका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है, अब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ए बी का किया जाता है। दोस्तों सबसे बढ़िया साउंड क्वालिटी इस इन सभी क्लासों में क्लास डी की होती है क्योंकि यह डिजिटली वर्क करता है। ये ए बी और ए बी ये जो तीन कैटेगरी के एम्पलीफायर हैं, ये तीनों एम्पलीफायर एनालॉग सिग्नल पर वर्क करते हैं जबकि क्लास डी डिजिटल सिग्नल पर वर्क करता है, तो जो इसकी क्वालिटी होती है साउंड क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है, और इसके म्यूजिक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। मैं इसके ऊपर भी आने वाली वीडियो में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगा कि इस तरह से आप क्लास डी का एम्पलीफायर किस तरह से डिज़ाइन करें, और फ्रेंड अगर आपने एक बार क्लास डी के एम्पलीफायर की साउंड सुन ली तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। क्यों है? क्योंकि वह क्लास ए बी के जो एम्पलीफायर हैं उनसे बहुत अलग होती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है। जितने भी हमारी आई सी होती हैं टी डी ए 20, 30, 45, 58 और 20, 50 ये जितनी भी आईसी हैं सब क्लास ए बी एम्पलीफायर हैं, और इनकी डिज़ाइनिंग काफ़ी आसान होती है, लेकिन जो क्लास डी है उसकी डिज़ाइनिंग भी मुश्किल होती है क्योंकि वह डिजिटली वर्क करता है और एक एसएमपीएस की तरह उसके सर्किट को डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि हम एसएमपीएस में सर्किट डिज़ाइन करते हैं उसी तरह इसको डिज़ाइन कराया जाता है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बैठता है और काफ़ी महंगे म्यूजिक सिस्टम में उन आईसीओ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जो 7388 है क्लास ए बी एम्पलीफायर आईसी है, और सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको इसकी वर्किंग वोल्टेज के बारे में बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी जो वोल्टेज है वर्किंग वोल्टेज मैक्सिमम, अगर मैं बताऊँ इसकी मैक्सिमम रेटिंग है डीसी सप्लाई 28 वोल्टेज मैक्सिमम पे ये वर्क करेगी, अगर आप 28 वोल्टेज से ज़्यादा देंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, और जैसे कि हमारी कार के अंदर 24 वोल्टेज सप्लाई होती है तो उसके लिए ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से वर्क करेगी। और मैं आपको इसके पिन कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ, इसके अंदर पिन लगी हुई है 25 पिन इसके अंदर लगी हुई है, और आप इसके कनेक्शन देख सकते हैं जो इसके अंदर लगा हुआ है, ये देखिए और तीसरी पिन और पाँचवीं पिन पर स्पीकर कनेक्ट होगा पहला, और सातवीं और नौवीं पिन पर स्पीकर कनेक्ट होगा, सत्रहवीं और उन्नीसवीं पिन पर स्पीकर कनेक्ट होगा, और 21वीं और 23वीं पिन पर चौथा स्पीकर कनेक्ट होगा। ये इसके स्पीकर कनेक्शन के पॉइंट हैं, और अब मैं आपको इसका एक्चुअल डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका एप्लीकेशन सर्किट, अगर आप इस आईसी को लेते हैं और एक अपना खुद का एक एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो आप जो सर्किट स्क्रीन पर दिख रहा है इसका इस्तेमाल करते हुए आप खुद का एक
एम्पलीफायर बना सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे 9, 7, 5, 3, 17, 19, 21, 23 पर इसने स्पीकर को कनेक्ट कर दिया है। 8वां ग्राउंड है और इसके अंदर 20वीं और 6ठी पिन को आपस में 1, 2, 2200 माइक्रोफेराड और 0.1 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर को लाके ग्राउंड कर दिया है। और इसमें 13वीं, 14वीं, 15वीं, 12वीं, 11वीं और 22वीं पिन पर आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर लगा रखा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इनपुट दिया जाएगा, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4। और जो म्यूट है जिसमें आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा करेंगे वो 22वीं पिन पर है और ST बाय या आपकी 14वीं पिन पर है। इस तरह अगर आप सर्किट को डिज़ाइन करें तो आप अपना खुद का एक एम्पलीफायर बना सकते हैं इसको फॉलो करते हुए। फ्रेंड यहाँ से इसके कनेक्शन थोड़े से लूज हो रहे थे जिसकी वजह से यह चलते चलते बंद हो रहा था, तो मैंने इसको एक बार और सोल्डर कर दिया ताकि कनेक्शन पक्के हो जाएं और यहाँ से लूज दोबारा ना हो, और ऐसा करने से हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक हो गया। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एक कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करते हैं। फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।